शासन और नीति मतलब उचित समय के साथ उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, जो फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बखूबी हो रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने राज्य की संस्कृति को लेकर बीजेपी को तब कटघरे में खड़ा किया है जब निकाय चुनाव में कुछ ही घंटे शेष हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसे विपक्ष ने अपने लिए मुद्दा बनाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, क्योंकि यहां कल नगरीय निकाय चुनाव होना है। लेकिन मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर संस्कृति को चोट पहुंचाने वाला जो बम फोड़ा है, उससे विपक्ष में कहीं न कहीं हड़कंप की स्थिति है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि गेड़ी चढ़ने और सोटा मारने से प्रदेश का जो है विकास नहीं होता है, जिससे सत्ता पक्ष ने प्रदेश की संस्कृति से जोड़ते हुए उसका अपमान बता दिया। हालांकि बीजेपी की इस पर अपनी अलग राय है। खैर, रमन सिंह के बयान से छत्तीसगढ़ का जो अपमान हुआ है या नहीं, इस पर आज बहस करेंगे। इसके अलावा बात मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान की भी होगी। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान कई दिन से भोपाल में धरने पर बैठे हैं। वहीं आज विपक्ष ने अतिथियों की मांग को लेकर सदन में खूब हंगामा काटा और वॉकआउट तक कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार सबको छल रही है। इधर सरकार ने धरना प्रदर्शन के बीच अतिथियों को जो नई पहचान देने की घोषणा की है, उसके बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या विद्वानों को अतिथि की जगह मेजबान बनाकर क्या सरकार अपने वचन से किनारा कर रही है। सवाल बड़ा है, जिसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि यहाँ संस्कृति पर सवाल है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया है, जिसके बाद राज्य सरकार जहां जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को पूरी तरह से फेल बता रहा है। विपक्ष ने तो यहां तक कह दिया है कि गेड़ी चढ़ने और सोटा मरवाने से विकास नहीं होता। विपक्ष की इस तीसरी प्रतिक्रिया को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान बताया है। सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए कुछ नाच गान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, और यहां तक कहा गया है कि अभिनेत्रियों को बुलाने से छत्तीसगढ़ का क्या खूब विकास हुआ। सवाल है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति का अपमान किया है, या फिर निकाय चुनाव में फायदा हासिल करने के लिए राज्य की संस्कृति पर चोट की जा रही है। इस सवाल का जवाब जाने आइए, उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में संस्कृति पर सियासत, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार। बड़ा सवाल, क्या निकाय चुनाव में फायदे के लिए प्रदेश की संस्कृति को पहुंचाई जा रही है चोट। छत्तीसगढ़ जो अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, और अब उसी पर ही चोट की जा रही है। दरअसल कांग्रेस सरकार के एक साल पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि गेड़ी पर चढ़ने और सोटा मारने से प्रदेश का विकास नहीं होता है। प्रदेश के विकास के लिए विजन होना चाहिए, जो एक साल बाद भी दिखाई नहीं देता। गेड़ी चढ़ने और सोटा मरवाने से विकास नहीं होता मेरे भाई, विकास होता है सड़क बनाने से, पुलिया बनाने से, स्कूल बनाने से, अस्पताल बनाने से। भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने गेड़ी और सोटा शब्द जुबा पर क्या लाए। कांग्रेस ने इसे अपने लिए मुद्दा बना लिया। सत्ता पक्ष के मुताबिक रमन सिंह ने आरोप की आड़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अस्मिता और सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो हमारा गेड़ी और यहाँ के गौरा गौरी के सोटा को भी अगर वो आलोचना का केंद्र बनाएंगे, लेकिन आपके प्रश्न ने और प्रदेश के माहौल ने ये साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से डॉक्टर रमन सिंह जी का कोई लेना देना नहीं। संस्कृति पर सरकार ने बीजेपी को उस वक्त घेरा जब निकाय चुनाव में कुछ ही घंटे शेष थे। अगर सत्ता पक्ष की बातें जनता के दिमाग में घर कर गई, तो फिर निकाय के रण में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं विपक्ष लोगों को ये समझाने में सफल रहा कि निकाय चुनाव में सिर्फ अपने फायदे के लिए कांग्रेस राज्य की संस्कृति को चोट पहुंचा रही है, तो फिर 21 दिसंबर को होने जा रहे निकाय चुनाव के नतीजे प्रभावित भी हो सकते हैं। खैर, संस्कृति पर जो सियासत शुरू हुई है, उससे किसे नफा और किसे नुकसान होता है, 24 दिसंबर को निकाय चुनाव के आने वाले नतीजों के साथ पता चल भी जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट।
तो संस्कृति पर सवाल है, चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता अवधेश जैन जी है। अवधेश जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रामवतार तिवारी जी जुड़े हुए। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। भोपाल स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्नोत्री जी। अग्नोत्री जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर जाए अग्नोत्री जी, इससे पहले एक सवाल आप ही से है। आपने रमन सिंह की जो बयान है उसको सुना होगा, आपको क्या लगता है उस जो बयान है उसमें क्या चीज विवादास्पद है और कैसी संस्कृति पर चोट हुई है, क्या लगता है आपको? आपने उस बयान को बहुत ध्यान से सुना है। मुझे तो लगता है कि कल वोटिंग होनी है नगरीय निकाय चुनाव के लिए, सिर्फ केवल नगरीय निकायों में वोट पड़ने हैं, तो ये एक अच्छा मौका है एक राजनीतिक लाभ उठाने का, क्योंकि गेड़ी और सोटा का जो बयान डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया है, हालांकि उसका गेड़ी और सोटा से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि गेड़ी चढ़ने और सोटा मरवाने से कोई सड़कें नहीं बन जाती, कोई विकास नहीं होता, ये एक अलग बात है जिसको जोड़ दिया गया वहाँ की संस्कृति और परंपरा से। जबकि संस्कृति और परंपरा की अवहेलना करने का मुझे लगता है कि इस बयान में कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि अब ये चुनाव का मौका है और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और कल ही वोटिंग है, तो एक दिन पहले मुझे लगता है इसका राजनीतिक लाभ लेने का एक प्रयास है। और यदि ये जो कांग्रेस की जो दलील है वो यदि मतदाताओं के मन में आ गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान भी हो सकता है। चलिए अवधेश जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं या फिर वाकई जो संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपनान हुआ है उसके लिए वो जो है आप बीजेपी को घेर रहे हैं। अवधेश जी, रमन सिंह ने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है अपने बयान में, ऐसा तो नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है निकाय चुनाव कल है, फायदा थोड़ा बहुत हो जाए, घेर लिया जाए इस मकसद से? अवधेश जी शर्मा जी, निश्चित रूप से रमन सिंह अवधे मैं जी सुरेंद्र जी, आप सुरेंद्र जी, आप ही से सवाल कर सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जी। सुरेंद्र जी आपसे सवाल है, आपका संबोधन कांग्रेस प्रवक्ता जी। सुरेंद्र जी से सवाल है मेरा ये जी शर्मा जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लेकर जो हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, जो सपना स्वर्गीय खूब चंद बघेल जी का था, जो माधव मंदरा जी का था, जो शहीद वीर नारायण जी ने देखा था, जो कला और संस्कृति, जो परंपरा जो बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक पूरे छत्तीसगढ़ में रचा बसा है, वो आज उसको मान मिलने लगा है, वो संस्कृति को सम्मान मिलने लगा है। आम छत्तीसगढ़िया 19 साल बाद अरपा पैरी के धार गांव गांव में बजने लगा, एक छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की भावना जो जगी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह का असली चेहरा सामने आ गया है। निश्चित रूप से ये शोषक हैं, जो बाकी आम जनता और कांग्रेस की तो छोड़ दें शर्मा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनके नेताओं छत्तीसगढ़िया नेताओं का भेदभाव होता है। रमन सिंह जी के जो बयान है उन्होंने कहा है कि जी गेड़ी या फिर सोटा मरवाने से विकास नहीं होता, उन्होंने कहा विकास का ये पैमाना नहीं होता, आप अस्पताल बनवाए, कृषि क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाए, तमाम चीजों की सुविधाओं में इजाफा करे, वो विकास होता है और प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कोट करके कहा, उन्होंने कहीं भी जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर सवाल नहीं उठाया है। शर्मा जी मैं स्पष्ट कर दूं, एक साल के कांग्रेस के सुशासन में जिस प्रकार से 60% लगभग घोषणा पत्र में 36 बिंदु थे, 22 घोषणाएं बड़े घोषणाएं पूरी हुई है, तो विकास तो शायद रमन सिंह जी नान और धान में जो उनकी कमीशनखोरी का खेल होता था, जो 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के जो 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया था, जो झलियामारी कांड था, जो अखफोड़वा कांड, जो गर्भाशय कांड, एड़स मेटा का प्रकरण अभी सारकेगुड़ा का आया, तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया आवाज दबाने का काम उनके कुशासन में किया गया था, रमन सिंह की नजर में शायद वही विकास है जो अब नहीं हो रहे हैं। निश्चित रूप से 11,000 करोड़ का कर्जा माफी 1-2 घंटे के अंदर सरकार ने की, किसानों को समर्थन मूल्य 2500 रुपए पूरे देश में मिल रहा है, असल जो दर्द है रमन सिंह जी का वो किस प्रकार से उनके मन में घृणा और नफरत का भाव छत्तीसगढ़िया के ऊपर है, जो आज तीजापोरा मनाया जा रहा है, जो आज गेड़ी चढ़ा जा रहा है, तो उनसे उनको पीड़ा हो रही है, किस प्रकार से रतलाम और प्रतापगढ़ का सरकार 15 साल तक कहाँ मिल रहा है, ये तो बस आपकी घोषणा थी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, असल दर्द उनका यही है, आज छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान लौटा है तो उनको तकलीफ होने लगी है। चलिए अवधेश जी आज युवाओं को रोजगार मिलने लगा है, आज तेंदू पत्ते का जो समर्थन है 2500 से 4000 मिलने लगा है, तो तकलीफ हो रही है। ठीक है अवधेश जी,
आप भाई अस्मिता, छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, जो संस्कृति है, उसको चोट क्यों पहुंचा रहे हैं ऐसे वक्त पर, जब आपको पता है कि निकाय चुनाव है, कुछ घंटे शेष है, आपको नुकसान हो सकता है उसमें, इस तरह की चीजें क्यों? सोभित जी, ये कांग्रेस नेता की पुरानी परंपरा रही है कि इस प्रकार की षड्यंत्र करके वोट पाने का इनका षड्यंत्र रहा हुआ है। ये कभी इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 50 वर्ष तक क्यों नहीं किया। ये कभी ये नहीं बताएंगे कि 50 वर्ष तक छत्तीसगढ़ भाषा को इन्होंने क्यों नहीं मान्यता दी, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन क्यों नहीं किया। मैं याद करता हूँ इनके कांग्रेस के नेता का, गोविंद नारायण सिंह जी, जो कि 2004 में राजस्व में आकर के माफी मांगे थे छत्तीसगढ़ राज्य पृथक नहीं बनाने का, बल्कि कांग्रेस मित्र प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि क्यों नहीं वो धान का बोनस दे रहे हैं, क्यों नहीं उपार्जन केंद्र में धान को प्रॉपर खरीद रहे हैं, क्यों नहीं इनका पेपर में घोषणा पत्र आ रहा है, इसमें कर माफ की कोई चर्चा क्यों नहीं है, बिजली हाफ क्यों नहीं है, भत्ता बेरोजगारी भत्ता के कष्टों को क्यों नहीं है। इनके इसमें देख लीजिए, कहीं पर भी जिस किसान को फर्जी घोषणा पत्र के आधार पर ये घोषणा करके आए कि बोनस देंगे, इसमें कहीं पर भी किसान का उल्लेख नहीं है। नहीं, एक सवाल ये मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर सुरेंद्र जी, आप अभ्यास जी, एक सवाल आश्चर्यचकित हूँ, बल्कि इसका जवाब देना चाहिए कि इस किसान के पेट में लात मार करके आप किसान की बात कर रहे हैं कि आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं, आप इस प्रदेश और विकास की बात कर रहे हैं कि विकास के लिए क्या कर रहे हैं, कहां पर क्या क्या काम कर रहे हैं, केवल भाजपा के विकास कार्यों में जाकर के फीता काटने से आप विकास कार्य कर रहे हैं, ऐसा उचित नहीं हो जाएगा। अभी जी देखिए, रमन सिंह जी का कार्यकाल 15 साल का रहा है और उस दौरान तमाम कार्यक्रम हुए, रमन सिंह जी या मंत्री जो रहे उनके बीजेपी सरकार में आपके, वो तमाम कार्यक्रमों में पहुंचे, शामिल हुए, जो संस्कृति जो वहां की परंपरा है उसका पूरी तरह से निर्वहन होता रहा है, लेकिन सरकार पर आप हमला करते हैं, उसमें आप किसी चीज को कोट करते, मान लीजिए ठीक है भूपेश बघेल जी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सोटा पड़वा लेते हैं, गेड़ी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इसको लेकर के आप, विकास को लेकर के आप इस तरह से हमला करना, ये कितना उचित है? सोभित जी, यही तो विषय आपको समझना है। नहीं, हम समझ रहे हैं, मैं तो आपसे जवाब मांग रहा हूं। हम इनके किसी मंत्री के लिए कहते हैं, हम, मैं वही बता रहा हूँ, हम इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो आप ओबीसी समाज के लिए बोले, हम आदिवासी किसी मंत्री के लिए बोलेंगे तो आप आदिवासी के खिलाफ बोले, ये एक षड्यंत्र करते हैं, हर चीज को जाति से जोड़ना, हर चीज को संस्कृति से जोड़ना, पर विकास की बात नहीं करना। आप क्यों नहीं बता रहे कि आपने कर माफ क्यों नहीं किया, संपत्ति कर माफ क्यों नहीं किया, हाफ क्यों नहीं किया, बिजली हाफ क्यों नहीं किया, आप इसका जवाब दीजिए। आज यहां पर मैं आश्चर्यचकित हूं, इस प्रदेश में हमको यदि डिबेट, यदि कांग्रेस प्रवक्ता करना चाहिए और जवाब देना चाहिए तो संपत्ति कर हाफ क्यों नहीं हुआ, इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। क्यों नहीं किसानों को आप बोनस दे रहे, इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं भत्ता दे रहे, बेरोजगारी भत्ता, इसका जवाब दीजिए। चलिए, आप दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, तिवारी जी से जान लेते हैं कि जो संस्कृति पर जो सियासत छिड़ी है, जिस तरह से जो है निकाय चुनाव के मौके पर, ठीक जब कल वोटिंग होनी है उससे ठीक पहले बीजेपी को घेर रही है भूपेश सरकार, तिवारी जी आपको क्या लगता है कि इसका कल के चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, नतीजे जब सामने आएंगे तो किसको नुकसान किसको फायदा हो सकता है? तिवारी जी, इसका प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके पहले कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के संस्कार, छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के सम्मान की बात लगातार पिछले एक साल से कर रहे हैं, उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं और उनके काम को जनता से सराहना भी मिल रही है और लोगों को खुद, अब ये चीजें जो 15 साल में भाजपा सरकार में नहीं हुआ, ये बात स्वीकार की जा रही है कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ कहीं न कहीं वो काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। अब इस काम में अगर छत्तीसगढ़ में सोटा खाना या गेड़ी चढ़ना ये कोई गलत बात नहीं है, ये यहाँ की संस्कार से जुड़ा मामला है, यहाँ के संस्कृति से जुड़ा मामला है, यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ा मामला है। तो एक तरफ भूपेश बघेल जी स्थानीय हितों की बात कर रहे हैं,
स्थानीय समस्याओं की बात कर रहे हैं जी। तब इन चुनाव के समय रमन सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाता दिखता है। तिवारी जी, वो इसलिए उनका ऐसा उद्देश्य नहीं रहा होगा। तिवारी जी, आपको आपको रमन सिंह के बयान में क्या गलत नजर आ रहा है? क्योंकि उन्होंने छोटा या जेडी शब्द का प्रयोग किया तो किसी उसकी जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर उन्होंने कहीं पे भी कोई सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ठीक है इससे विकास नहीं होगा। आप ये उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जेडी मत चढ़िए, आप छोटा मत मरवाइए, लेकिन विकास पर भी ध्यान दीजिए। उनका सिर्फ इतना कहने का मतलब था। और उन्होंने जो बयान दिया है हमने सुनाया है उसमें ये स्पष्ट नजर आ रहा है। तो इसको देखते हुए क्या जनता ऐसे इफेक्ट पड़ेगा? कांग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, एक बात। दूसरा, बहुत जल्दी अगर इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती कि विकास कितना हुआ है, विकास का विकास को आप निर्माण जो हो रहे हैं उसको आप विकास मानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को मानते हैं आप, तो विकास की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। अगर आप शहरी क्षेत्र में विकास कर सुनियोजित षडयंत्र के तहत भ्रष्टाचार करने के लिए आप बड़ी बड़ी चीजें आप निर्माण करने के लिए विकास का वादा कर रहे हैं, ये भी गलत है। दूसरी बात, विकास को एक अलग नजरिया है। विकास तो सरकार का प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। विकास के लिए अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका एक बड़ा कारण यहाँ पर है भी, कुछ भी कारण है। जैसा गति दिखनी चाहिए वास्तविक में वो दिख नहीं रही है, परंतु उसको आप विकास नहीं हो रहा है या कम हो रहा है उसको आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, गेड़ी से या अन्य चीजों से जोड़ रहे हैं। तो कहीं कहीं स्थानीय लोगों को ये भावना घर जा रही है कि हमारे साथ अगर ऐसा होने लगा है, हमारे तीज त्योहारों को महत्व तो मिल रहा है, तो रमन सिंह को पीड़ा क्यों हो रही है? ये एक सवाल लोगों के भीतर बीचे से आ रही है। ठीक है, तो इस चीजों को समझना पड़ेगा कि अब हर जैसा गुजरात में नरेंद्र मोदी जी गुजरात की संस्कृति, गुजरात की भाषा, गुजरात के लोगों को एक तरह से वो ले जाते रहे, और जब भी कांग्रेस ने हमला किया निजी तौर पर मोदी के खिलाफ तो उनको अपने गुजरात की अस्मिता से जोड़कर एक बड़ा मुद्दा लाया और एक तरह से उनकी जीत हुई। ठीक उसी तरह भूपेश बघेल भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो हमला हुई है वो हमला को निजी हमला है, छत्तीसगढ़ के लोगों पर हमला है, अस्मिता पर हमला है, इस तरह से वो राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खुद भी इसीलिए जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें राजनीतिक फूट भी है और लोगों से जुड़ने का एक उनका बड़ा एक हथियार मिल गया राजनीतिक तौर पर। अवधेश जी, निश्चित रूप से हथियार मिल गया आपने दे दिया है। आरोप की आड़ में जो जिस तरह से गेड़ी और छोटा को लेकर रमन सिंह जी ने जो खैर अब उनके जुबान से जो बात थी वो तो निकल चुकी है, कल चुनाव है, अब ठीक है कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस ने इसको अपने लिए मुद्दा बनाया है और कांग्रेस जिस तरह से इसको जनता के सामने परोस रही है, तो अब बीजेपी का जो है अगला स्टैंड क्या रहेगा? क्या जनता को समझाया जाएगा? अब क्योंकि अब मौका नहीं है, कल तो वोटिंग होनी, कल मतदान होना है, सुबह आप उसकी उसमें लग जाएंगे, जो बूथ है वहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इस चुनाव के बाद इससे किस तरह से आप निपटेंगे? देखिए, वर्तमान विषय तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस प्रकार लोकतंत्र की छठी के प्रदेश में हत्या हो रही है, कांग्रेस हत्या कर रही है, जनता को दो वोट देने के अधिकार छीन लिया इन्होंने, केवल एक वोट जनता दे रही है। महापौर का जो निर्वाचन होता था वो डायरेक्ट प्रणाली के हटा करके इनडायरेक्ट प्रणाली कर दिया। बैलेट पेपर निजी प्रेस में इन्होंने छपाया, बैलेट पेपर रोड पे पड़े मिले हैं, बैलेट पेपर अतिरिक्त छपाया। अब ये फर्जी मतदान करने के लिए कल के लिए फुल तैयारी में है। सबसे बड़ा विषय लोकतंत्र की हत्या है और इस प्रकार ये इस प्रदेश में कल फर्जी मतदान करने वाले हैं। चलिए, वो तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन संस्कृति पर चोट आपकी ओर से क्यों की गई? कांग्रेस भी इसका सवाल का जवाब चाहती है, तिवारी जी भी कह रहे हैं कि लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, तो इस तरह से चोट क्यों क्यों संस्कृति? ठीक है, हमला कीजिए, निजी हमले कीजिए, आप सरकार पर बात कीजिए, आप नाकामियां गिनाए, लेकिन
इस तरह से ठीक है, कोई कहीं प्रोग्राम में जाता शामिल होता है, अब वो चाहे सार्वजनिक प्रोग्राम हो या निजी कोई कार्यक्रम हो, जाता है कुछ भी करता है, ठीक है उसे लेना देना नहीं चाहिए। आप विकास के पैमाने पे बात कीजिए, विकास नहीं हुआ उसको लेकर के बात कीजिए, लेकिन आप संस्कृति को लेकर के किसी पे हमला करते हैं तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये उचित नहीं है। जी शोभित जी जी, बल्कि आम जनता की भावनाओं को ठेस यहाँ पहुंचा कि उनके दो वोट का अधिकार को इन्होंने छीन लिया। कल ये जिस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग करके मतदान कराना चाह रहे हैं, भाजपा का पोस्टर फड़वा रहे हैं, दारू बंटवा रहे हैं, वोट नोट दे करके वोट पाना चाह रहे हैं, पूरे प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके कारण जनता के मन